गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपकी रिवेन्यू इनकम्स और कुछ कैपिटल एक्सपेंस इनकम्स देखी। सॉरी, अब रिवेन्यू इनकम्स बहुत सारी होती है लेकिन कैपिटल इनकम कुछ ही होती है, और इन सब का मतलब क्या होता है मैंने आपको प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया, राइट? हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया कि रिवेन्यू इनकम किसे कहते हैं और कैपिटल इनकम कैसे कहते हैं, और आपको मैंने बताया कि हम सारे एनपीओ के मिक्स कुछ ट्रांजेक्शंस हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस कौन सी रिवेन्यू इनकम कहाँ कहाँ लिखी जाती है। अब हमने लास्ट जो ट्रांजेक्शन कंप्लीट किया था वो किया था सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, राइट? अब देखिए, आप सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर में हमने आपको बताया कि अगर आप रद्दी बेचते हो न्यूज़पेपर तो वो आपकी इनकम हुई, लेकिन अगर आप बुक बेचते हो बुक तो बुक्स आपकी एसेट है, तो वो यहाँ पे रेवेन्यू इनकम कंसिडर होगी नहीं। उसका रीजन मेरे को कल किसने पूछा था, मैंने आपको उसका आंसर भी दिया था। ओके, चलिए तो आज हम फिर जाते हैं कंटिन्यू अपने इनकम्स रिमेनिंग इनकम्स की ओर जो बाकी है। सेल ऑफ बुक हमारी कैपिटल इनकम बोल सकते हैं, बट अगर सेल ऑफ बुक्स आता है आपको रिसीप्ट साइड में तो इट्स लास्ट ईयर एसेट। ओके, लास्ट ईयर एसेट पूछो क्यों? अगर बुक्स है मेरे पास, अगर मेरी सपोज फॉर एग्जांपल मेरी कोचिंग क्लास है, मेरे पास बुक्स पड़े हैं, और अगर मैं ये साल उसको बेचता हूं तो उससे मेरे पास कैश आएंगी, तो वो रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड होगा, और रिसिप्ट साइड में हमको लास्ट ईयर की एसेट मिलती है, आप नोटिस करो, तो वो मेरी लास्ट ईयर की एसेट जाएगी, रेवेन्यू इनकम कंसिडर नहीं होगी। क्लियर पिक्चर? क्योंकि लास्ट ईयर तक मेरे पास वो एसेट थी, इसलिए। अब हम बात करते हैं आगे अपने नेक्स्ट, वो है ड्रामा इनकम्स। अभी ड्रामा इनकम क्या है? हाँ, ड्रामा इनकम का मतलब होता है, क्या होता है, कभी कभी एनपीओ जो होते हैं वो चैरिटीज करने के लिए ड्रामा करते हैं। अभी जैसे अभी एग्जांपल देखो, अभी बहुत बड़ा एक शो हुआ था शिवाजी महाराज के ऊपर, जानता राजा ऐसे कुछ तो भी एक मराठी शो हुआ था, काफी अच्छा, बहुत बड़े पैमाने पर उसमें शिवाजी महाराज जी का पूरा सिनेरियो दिखाया गया था उसमें काफी अच्छे से। तो उसमें हुआ ये था, ओपन थिएटर में हुआ था शायद से वो शो। तो ऐसे बहुत सारे एनपीओ से करते हैं ड्रामा करते हैं इनकम्स कलेक्ट करने के लिए। जैसे आप देखो कॉलेज में भी, आप अगर मेट्रो सिटी में जाओगे तो मेट्रो सिटी के अंदर आपको बता दूं मैं कि कॉलेजेस भी बहुत सारे ड्रामास ऑर्गेनाइज करते हैं, और वो पूरा जो पैसा आता है फिर वो पूरा जो पैसा इनकम से एक्सपेंसेस माइनस करके जो बचता है वो चैरिटी होती है, फिर यानी कहीं डोनेट करते हैं वो लोग। तो इस तरीके से ये भी इनकम का सोर्स है। और एनपीओ में अगर सपोज फॉर एग्जांपल कोई ड्रामा ओपन थिएटर्स, अकोला में नहीं है लेकिन मेट्रो सिटी में आप देखो तो ओपन थिएटर्स का बहुत चलन था, आज भी है। जैसे आप देखो बड़े बड़े कलाकार जो आते हैं ना वो ओपन थिएटर से कलाकारी करके आते निकलते ऊपर। जैसे आप देखोगे अनुपम खेर वगैरह जो बड़े बड़े फिल्म स्टार जो बने, ये फिल्मों से पहले वो थिएटर में काम करते थे। थिएटर में क्या होता है, थिएटर में आपको बकाया था लाइव एक्शंस करके आप 3-3 घंटे का शो चलता है पूरा वहाँ पे, तो वो थिएटर्स में वो भी एनपीओ में आती है, तो इसलिए उससे भी इनकम्स आती है। कॉलेजेस आप देखिए ड्रामा ऑर्गेनाइज करता है कोई चैरिटी के लिए तो वो भी इनकम्स गेन करता है। आपको समझा? क्लियर? yeah. तो इस तरीके से बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस ड्रामास ऑर्गेनाइज करते हैं, उनकी टिकट बिकती है और वो टिकट से इनकम आती है। नेक्स्ट है रेस्टोरेंट रिसिप्ट। अब देखो बहुत सारे कॉलेजेस में आप देखोगे तो कॉलेज के अंदर ही कैंटीन होता है, कोई लाइब्रेरीज में जाओगे तो लाइब्रेरी के अंदर भी कैंटीन होता है खाना खाने का, रेस्टोरेंट, तो उससे भी इनकम आती है, उसको अपन बोलते हैं रेस्टोरेंट रिसिप्ट। क्लियर पिक्चर? ये भी रेवेन्यू इनकम है ऑर्गेनाइजेशन को जो बार बार मिलती है, जब भी आप सर्विस लोगे आपको पे करना पड़ेगा। प्रोसीड फॉर एंटरटेनमेंट। अब ड्रामा इज अ वन टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट सोर्स। अब ऐसे बहुत सारे एंटरटेनमेंट जो होते हैं सोर्सेज होते हैं, जैसे एग्जाम्पल अभी सपोज फॉर एग्जाम्पल अभी स्कूल के अंदर कोई आपको पिक्चर दिखाए जाते, कोई बड़ी देखते होंगे आप स्कूल के अंदर, आपको स्कूल वाले पिक्चर दिखाने लेके जाते हैं, है ना? अब थिएटर में जब पिक्चर गया था उसकी आपको टिकट्स लेने को पड़ती है,
तो टिकेट्स में जितना थिएटर वाला उसको प्राइस देता है उससे थोड़ा बहुत 10-15 रुपए आपसे बढ़ा के लेते हैं, तो उससे भी एक प्रकार की ये इनकम है। क्या ये इनकम? उसको नाम दिया है प्रोसीड फॉर एंटरटेनमेंट। अब मैं आपको बता दूं एंटरटेनमेंट के बहुत सारे जरिया है, सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ ये नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। अब जैसे हम सारे ऑर्गेनाइजेशन के मिक्स पढ़ रहे हैं तो इसलिए मुझे सभी का आपको बताना है डिस्क्रिप्शन। एक रीजन दिया मैंने आपको कौन सा, मूवी का। अब जो टाइम पे याद आ रहा है बता रहा मैं आपको। बाकी एंटरटेनमेंट आपको कॉलेज स्कूल्स में आपको बहुत सारे सोर्सेज देते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, और उसके लिए आपको पैसा देते हैं, लेते हैं आपसे, तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम है। क्या है वो? ठीक है। कलेक्शन फॉर एनुअल फेस्ट। अब एनुअल फंक्शन होता है आपका हर साल स्कूल में, देखो आप कॉलेज में, तो आपसे स्कूल वाले या ट्यूशन क्लास वाले या कॉलेज वाले आपसे कुछ अमाउंट लेते हैं। आपको मालूम है स्कूल में आप अमाउंट भरते थे, आप 200 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, जो भी आपसे स्कूल बाय स्कूल लेते थे, तो उससे भी स्कूल कॉलेजेस को इनकम होती है। क्या होती है? इनकम। क्लियर? नहीं नहीं ऐसा नहीं, क्या आप एक बार सर्विस लोगे तो एक बार देना, आप डबल लोगे तो डबल आपको सर्विस। देखो मैंने कैपिटल इनकम और ये नहीं बोला, मैंने कैपिटल इनकम का मतलब है जो एक मेंबर से लाइफ टाइम एक ही बार मिले। हाँ लेकिन अगले साल जब आप पढ़ोगे हमारे पास, जैसे एग्जाम्पल अभी वन इज कॉमर्स क्लास एनुअल फेस्ट कर रहा है, तो एनुअल फेस्ट करने के बाद आपसे कुछ अमाउंट लियाती है कॉन्ट्रीब्यूशन के तौर पे, 200 रुपए, 300 रुपए पर स्टूडेंट, तो उससे इनकम होती है। अब उसमें से एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, फिर क्लियर पिक्चर आपको? तो वो एनुअल फेस्ट जो है वो रेवेन्यू इनकम होती है। क्या होती है? अब मैंने आपको ये नहीं बोला कैपिटल इनकम का मतलब ये है कि जो साल में एक ही बार हो, मैंने आपको बोला एक मेंबर से अगर एक ही बार आती है या एक पर्सन से एक ही बार मिलने वाली इनकम को हम कैपिटल इनकम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है कलेक्शन फ्रॉम एनुअल ट्रिप। अब आप देखो एनुअल ट्रिप स्कूल कॉलेजेस ऑर्गेनाइज करते हैं, ओके हमने भी की थी लोनावला ट्रिप, तो आपसे कुछ इनकम ली थी हमने, फीस ली थी ना आपसे, कितनी थी? 5100 रुपीज आपसे ली थी हमने। तो आपसे जो हमने 5100 ली थी ऋषि खैर, तो वो इनकम जो थी वो ऑर्गेनाइजेशन के पास इनकम आई। अब जरूरी नहीं कि इनकम कोई तो प्रॉफिट होता है, नो, इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस होके जो बचता है वो प्रॉफिट होता है। क्लियर पिक्चर? तो ऐसे बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस आपके एनुअल ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं और आपसे कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन लेते हैं, तो वो इनकम होती है। देखो आप इनकम को प्रॉफिट मत समझो, मैं बार बार बोलता हूं इनकम इज नॉट अ प्रॉफिट, इनकम में से एक्सपेंस कटने के बाद जो बचता है वो प्रॉफिट होता है। तो हम जब एक्सपेंसेस पढ़ेंगे तो यही आपको रिपीटेशन मोड में आएंगे सब, कौन कौन से, ड्रामा एक्सपेंसेस आएगा, फिर ये पिकनिक एक्सपेंसेस आएगा, और फिर ये जो हमने देखा एनुअल फेस्ट, तो एक्सपेंसेस भी आता है उसका एनुअल फेस्ट का, तो उसमें से बचता है फिर वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होता है। आपको समझा? क्लियर? तो इट मींस आप ये इमेजिनेशन कभी नहीं करना कि इनकम बोले तो प्रॉफिट, ओके? इनकम में से एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो बचता है वो प्रॉफिट, या अगर एक्सपेंस ज्यादा हो गया इनकम से तो इट इज कंसीडर्ड एज अ लॉस। क्या होगा? लॉस। अब उसके बाद आगे बढ़ता हूं, वो है पिकनिक रिसिप्ट। अब एनुअल ट्रिप बोलो या पिकनिक बोलो, कभी आपको क्वेश्चन में पिकनिक दिखाएंगा कभी एनुअल ट्रिप, अब एनुअल ट्रिप तो वर्ड कम ही आता है, पिकनिक ही आता है। क्या आता है? तो स्कूल कॉलेजेस इनका अगर आपको एनपीओ आया तो आपको पिकनिक का जिक्र उसके अंदर आएगा, तो पिकनिक रिसिप्ट बोलते हैं, या कलेक्शन फ्रॉम एनुअल ट्रिप बोलो या पिकनिक रिसिप्ट। पिकनिक रिसिप्ट मैंने जो बच्चों से हम पिकनिक के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन लेते हैं ना, वो पैसे को हम बोलते हैं इनकम, और वो इनकम बार बार मिलती है, जब जब आप जाओगे तब तब आपको पे करना पड़ेगा, तो इसलिए वो भी रेवेन्यू इनकम हुई। क्या हुई? वो भी रेवेन्यू। फिर उसके बाद है नेक्स्ट टेनिस रिसिप्ट। अब टेनिस रिसिप्ट क्या होता है? आप देखो स्पोर्ट्स क्लब्स के अंदर टेनिस ग्राउंड होता है, देखा है आपने टेनिस ग्राउंड, टेनिस खेलने का ग्राउंड होता है, तो टेनिस खेलने का जो ग्राउंड होता है, अब स्पोर्ट्स क्लब्स भी एनपीओ में आते हैं ना, जैसे अकोला सिटी स्पोर्ट क्लब, वेस्टर्न डिसाइड स्टेडियम, तो ये सब क्या है? ये सब हमारे एनपीओ में आते हैं। अब वो टेनिस का जो बड़ा ग्राउंड होता है या बड़ा कोर्ट, हाँ, तो टेनिस का जो कोर्ट होता है
वो कोर्ट के अंदर खेलने के लिए आपसे वो स्टेडियम जो है यानी क्लब आपसे इनकम चार्ज करता है, यानी आपसे पैसे लेता है, तो वो उस क्लब के लिए क्या हुई, इनकम हुई, तो उसको बोलते हैं टेनिस रिसिप्ट। क्या बोलते हैं? अब हालांकि टेनिस के कोर्ट को मेंटेन करने के लिए एक्सपेंस भी लगता है ना, तो इसलिए वो एक्सपेंसेस जब गिनाऊंगा मैं आपको लिस्ट, तब उसमें ये रिपीटेशन बोलाएगा एक्सपेंस ऑफ टेनिस कोर्ट या जो भी आपको लिख के आएगा, तो ये स्पोर्ट क्लब जैसे यूज करते हैं। हाँ बोलिए, सॉरी। हाँ आ सकता है बैडमिंटन रिसिप्ट, आ सकता है। क्लियर? ओके नेक्स्ट है ए, कह रहे इधर नेक्स्ट है ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट। अब कभी कभी क्या होता है, एनपीओ को कुछ गवर्नमेंट हर महीने रेगुलर इनकम देती है फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ, तो वो जो इनकम आती है वो इनकम हम बोलते हैं ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट। एग्जाम्पल दू, जैसे कोई स्कूल है, अब कोई स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल है, इसको गवर्नमेंट की ग्रांट मिली हुई है, तो गवर्नमेंट हर महीने वो स्कूल को अपने टीचर्स के लिए इनकम बेचती है, बहुत सारी सैलरी बेचती है, सैलरी फिर उसका मेंटेनेंस चार्जेस पूरा अमाउंट आता है हर महीने का स्कूल को सर्वाइवल करने के लिए, तो वो इनकम को हम बोलेंगे ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट। इसमें सब आ गया, इसमें सैलरीज भी आ गई टीचर्स की, मेंटेनेंस चार्ज आ गया, स्टाफ क्लियरेंस स्टाफ जो जो होते हैं ये कौन से क्लैरिकल स्टाफ भी आता है इसमें, फिर साफ सफाई वाले भी आते हैं, हाँ सैनिटरी स्टाफ भी आता है, ऐसे पूरे स्टाफ यानी पूरा मेंटेनेंस आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऐसे पूरा हर महीने का आपको क्या आता है गवर्नमेंट से पैसा मिलता है अगर आपको ग्रांट मिलती है तो वो स्कूल को जो आएगी, अब वो स्कूल के लिए क्या हुई इनकम हुई कि नहीं ये अलग बात है, इसमें से एक्सपेंस पे होगा, लेकिन ये इनकम तो आई ना अपने पास और हर महीने आएंगी, तो इसलिए इट इज माई रेवेन्यू इनकम। फिर उसके बाद आता है सन्ड्री रिसिप्ट। अब सन्ड्री रिसिप्ट का मतलब है छोटी मोटी इनकम। ऋषि सन्ड्री रिसिप्ट ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट, अरे सिंपल है, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है, एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपका गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन है तो आपको गवर्नमेंट से मंथली इनकम आएंगी कुछ, तो वो इनकम को अपन बोलेंगे ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट। कुछ फर्क नहीं है, एनजीओ इज अ वन टाइप ऑफ एनपीओ। कोई फर्क नहीं है ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फर्क क्या है, कुछ भी नहीं है, फर्क इतना है दोनों का मतलब एक ही होता है जिसको प्राइवेट बॉडी ऑपरेट करे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो एनजीओ बोलने में हमको प्राइवेट आता है, लेकिन गवर्नमेंट थोड़ा बहुत असिस्ट करती है उसको, फुल्ली नहीं लेकिन पार्शली, और एनपीओ भी वही होता है जिसमें प्राइवेट बॉडी समाज को एजुकेशन मॉरलिटीज स्पोर्ट्स ये डिलीवर करे। क्लियर पिक्चर? अब एनजीओ जो मोस्टली खेलते हैं वर्क करते हैं वो कौन सी एरिया में करते हैं, एनजीओ वर्क करते हैं ओनली ह्यूमैनिटी एरिया के अंदर, यानी इंसानियत के तौर पे जो एक्टिविटीज होती है, लेकिन एनपीओ जो है उसमें ये भी आता है प्लस इसके अलावा सोसाइटी को जो डिलीवर करना है एजुकेशन स्पोर्ट वगैरह वगैरह ये सब भी आता है। क्लियर? ओके सन्ड्री रिसिप्ट का मतलब है जब भी अगर मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं, अकाउंटिंग करने के दौरान अगर मुझे सपोज कोई इनकम छोटी मोटी इनकम है उसको मर्ज करना है तो मैं एक ही नाम दे देता हूं सन्ड्री रिसिप्ट या जनरल रिसिप्ट या जनरल इनकम्स। क्लियर पिक्चर? या सन्ड्री इनकम्स, ये सबका मतलब एक ही होता है। खैरो सबका मतलब एक ही होता है, और क्लास के बाद जाओ। ओके तो आप छोटी मोटी इनकम को एक ही नाम दे सकते हो, वो है कौन सी, सन्ड्री रिसिप्ट या सन्ड्री इनकम्स या जनरल इनकम्स, जो भी आपको नाम दे रहे हैं क्वेश्चन में आपको वही लिखना है। आपको एनपीओ के लिए रिसिप्ट पेमेंट गिवन रहेगा ऑलरेडी, बस ये आपको मैं वैरायटीज क्लास क्राइटेरिया बता रहा हूँ कि कौन सी क्राइटेरिया किसमें आएंगी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब आप जब कोई जैसे एग्जाम्पल अभी एनपीओ के पास फंडिंग पड़ी है तो उस वो पैसा पड़ा है, अब पैसा पैसे को तिजोरी में रख के तो बढ़ाएगा नहीं, उसको कहीं तो इन्वेस्ट करेंगे, तो हम कंपनी के शेयर डिबेंचर ये एनपीओ के नाम पे खरीद लेते हैं,
तो उससे क्या होता है, एनपीओ के पास उससे भी इनकम आती है, रेगुलर इनकम। एग्जाम्पल, मैं एक संस्था चला रहा हूँ शिक्षा का, अब शिक्षा के संस्था के अंदर मुझे, मेरे पास पैसा पड़ा है 2 लाख रुपए। अब 2 लाख रुपए फंड पड़ा है हमारे पास, अब वो फंड पड़ा है तो 2 लाख रुपए तिजोरी में रख दूंगा तो बढ़ेगा क्या? तो मैंने क्या किया, मैंने बी कंपनी के डिबेंचर खरीद लिए। अब डिबेंचर इज माय इन्वेस्टमेंट, क्या है मेरी, वो मेरी एसेट है, लेकिन उसका जो हर महीने या 6-6 महीने में इंटरेस्ट आएगा, वो इंटरेस्ट मेरे लिए रेगुलर इनकम हुई। और वो जब तक के लोन मैं उसको दे रहा हूँ कंपनी को, तब तक मुझे मिलेगा, तो उसको बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या बोलेंगे, कभी लिख के आएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब वो स्पेसिफिकेशन किया है कौन सा मोड है हमने, तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं तो आपको इन्वेस्टमेंट लिख के आएगा। क्लियर, वो आपको क्या लिख के आ रहा है मुझे पता नहीं है, आप सीख लो सभी। नेक्स्ट है फाइन कलेक्शन ऑन फीस। अब स्कूल वगैरह में आप जाते हो या ट्यूशन क्लासेस के अंदर या कॉलेजेस के अंदर, तो आपको फाइन लिया जाती है, फाइन है ना, जैसे कोई मोबाइल चलाता है यहाँ पे वननेस के अंदर तो आपको 50 रुपीज फाइन है, तो फाइन कलेक्शन से भी वननेस के पास इनकम आती है और वो इनकम को हम बोलेंगे फाइन कलेक्शन फीस। नेक्स्ट है हायर ऑफ लेक्चर हॉल। अब कभी कभार क्या होता है, स्कूल कॉलेजेस के पास बहुत बड़ा लेक्चर हॉल होता है, तो वो कोई प्राइवेट बॉडी उनसे रेंट पे लेती है, फिलहाल कुछ सेमिनार कंडक्ट करने के लिए, सेशंस कंडक्ट करने के लिए, तो तब उसको, वो कॉलेज को या स्कूल्स को उससे इनकम होती है, और उस इनकम को अपन बोलते हैं हायर ऑफ लेक्चर हॉल। हायर का मतलब है रेंट पे लेना फिलहाल। क्लियर पिक्चर? तो लेक्चर हॉल बड़े बड़े होते हैं ना, जैसे एग्जाम्पल अभी एलआरटी के अंदर आप देखो बहुत सारे, आरएलटी के अंदर बहुत सारे सेमिनार होते हैं। क्या होते हैं? सेमिनार, प्राइवेट कोचिंग क्लास वाले सेमिनार देते हैं। तो आरएलटी को, कॉलेज को कुछ फंड्स देते हैं, रेंट देते हैं उसका हॉल का, तो उससे भी आरएलटी कॉलेज को क्या होता है, इनकम आती है, और वो इनकम क्या कंसिडर की जाएगी एज ए रेवेन्यू। जब जब सर्विस लोगे तब तो आपको पे करना पड़ेगा उसको। समझा आपको? क्लियर? नेक्स्ट है हॉस्पिटल रिसिप्ट। अब हॉस्पिटल अगर आप कंडक्ट कर रहे हो एनपीओ के अंदर, तो हॉस्पिटल में जो भी इनकम आती है वो इनकम को हम एक ही नाम देते हो, हॉस्पिटल रिसिप्ट। या तो आप अलग अलग क्राइटेरिया भी कर सकते हो। अब आपको कुछ नहीं करना है, पूछो क्यों, पेपर में तो आपको ये क्वेश्चंस गिवन ही रहेंगे ना, हेड्स, आपको जो हेड्स दिए आपको लिख के भी वो ये नाम क्या आना है, लेकिन सबके मीनिंग समझ लो क्या होता है। तो हॉस्पिटल रिसिप्ट का मतलब होता है जो हॉस्पिटल से मिलने वाली इनकम होती है। क्लियर? अब इसमें कभी कभार क्या होता है, कोई अकाउंटेंट जब हॉस्पिटल एनपीओ के हॉस्पिटल की अकाउंटिंग करता है, तो उसमें होता यह है कि वो छोटी मोटी इनकम को मर्जिंग करके एक ही नाम देता है, हॉस्पिटल रिसिप्ट या रिसिप्ट फ्रॉम हॉस्पिटल या इनकम फ्रॉम हॉस्पिटल्स, ऐसा। तो तब वो एक ही नाम दे रहा है, यानी इन शॉर्ट मर्ज कर रहा है रेवेन्यू इनकम्स को, अलग अलग देना चाहेगा वो, तो अलग अलग नाम भी हम दे सकते हैं। एग्जाम्पल दिए ओटीपी रिसिप्ट, ओपीटी रिसिप्ट। अब ओपीटी का मतलब क्या होता है, जो डॉक्टर चेकिंग करता है ना, चेकिंग रोज का है पेशेंट्स को, उसको ओपीटी बोलते हैं। अब उसका फुल फॉर्म बता रहा हूं मैं तुमको, ओपीटी है ना, हाँ, तो उसको ओपीडी कर दो। ओपीडी का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। देखो आई एम नॉट अ साइंस स्टूडेंट्स, ये आप किसी डॉक्टर से कंसर्न करना, बट मुझे ओपीडी इसलिए मालूम है, एक बार डॉक्टर के पास गया था मैं, तो हम जब चेकिंग, जो पेशेंट को चेक करते ना रोज डेली टाइम पे, तो वो उसको डॉक्टर को फोन आई, तो बोले कहाँ है, दोस्त की फोन आई, तो बोलता ओपीडी में हूँ, तो इसलिए वहां पर सुना था, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अब ओपीडी का मतलब होगा जो डेली के चेकिंग होते ना पेशेंट्स, जो सुबह से लेके शाम तक के वो नंबर लगा के अपन चेकिंग कराते है ना, तो उसको बोलते हैं ओपीडी। क्या बोलते हैं? ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। अब वो नाम बनाया हुआ है साइंस वालों ने, अपना कोई लुकआउट है नहीं, अपने को तो ना साइंस जाना है, अपने को तो उसकी अकाउंटिंग करनी है, करनी है। तो कभी कभी आपको लिख के आएगा ऐसे ओपीडी रिसिप्ट, तो अगर ओपीडी रिसिप्ट लिखा है तो भी वो रेवेन्यू इनकम है, क्योंकि रोज की होती है, मेन कमाई डॉक्टरों की यही तो होती है, ऑपरेशन दिन में एक ही करेंगे ना, लेकिन चेकिंग तो रोज होते हैं। आज डॉक्टर ऑपरेशन से तो ओपीडी में कमाता, सही कि नहीं? एक से अगर एमबीबीएस डॉक्टर की फीस कितनी है, 200 तो होंगी, 200 रुपए, अब 100 भी किए तो रोज के 20,000 रुपए अंदर। अब 100 रुपए अगर एक डॉक्टर का लेगा, तो रोज के अगर 100 पेशेंट भी किए तो 10 × 100 करो तो 10,000 रुपए रोज की इनकम, ऐसी इनकम हमारी, बताओ। और फिर भी
फिर भी एनपीओ में आ रहे। चलो ठीक है, इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू, पढ़ाई में पावर है इसलिए बोलता हूं। देखो एजुकेशन एक ऐसा टूल है जिसे तुम दुनिया के अंदर हर वो चीज पा सकते हो जो तुम्हारी इच्छा है, इसलिए इसको प्रायोरिटी दो। क्योंकि मेरे दादाजी बोलते थे कि एक पढ़ा लिखा इंसान कभी भूखा नहीं सोता, वो अपने ढंग का कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, समझा। चलिए ओपीडी रिसिप्ट, यही मोटी यही स्टेटमेंट बोल बोल के मेरे को पढ़ाया दादू ने, भाई पढ़ भाई पढ़ है कि ठीक है। डिविडेंड रिसिप्ट, अब डिविडेंड रिसिप्ट क्या होता है सुनो। अच्छा ओपीडी रिसिप्ट के जगह एक और आता है ओटी, इनकम फ्रॉम ओटी। ओटी का मतलब है ऑपरेशन थिएटर। अब डॉक्टर देखो आए दिन को रोज ऑपरेशन चालू रहते हैं इनके। बेटा जब भी सर्विस लेगा ऐसा नहीं तू साल का ले लेंगी सब्सक्रिप्शन, नहीं नहीं कोई भी जनरल से इंतजार मैं आपको। अरे ऑपरेशन थिएटर में जब भी ओटी होगा तब आपको पे करना है, इट इज अ रेवेन्यू इनकम फॉर डॉक्टर, क्लियर। चलिए इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन मिलता नहीं है, डिविडेंड रिसीप्ट। अब अगर कंपनी के आपने शेयर लिए होंगे शेयर, तो कंपनी आपको डिविडेंड देगी, तो डिविडेंड जो आपको मिलेगा वो आपको रेगुलर मिलेगा हर बार, तो इसलिए वो आपकी रेवेन्यू इनकम हुई। क्या हुई वो? बोरोड कैपिटल कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करूंगा तो इंटरेस्ट मिलेगा, और ओन कैपिटल में इन्वेस्ट करूंगा कंपनी के तो आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड। अब कंपनी के लिए भले वो एक्सपेंस है लेकिन तुम्हारे लिए क्या है? वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए शेयर होल्डर है। कौन है वो? अब वो एसपी का कनेक्शन है आप, समझा आपको क्लियर। नेक्स्ट है लाइब्रेरी फीस। अब ये स्कूल में होता है, स्कूल में आप देखोगे तो स्कूल के अंदर आपसे मंथली लाइब्रेरी फीस ली जाती है, यहाँ तो लाइब्रेरीज में भी होता है आपसे मंथली लाइब्रेरी फीस सब कुछ होता है, याद आपको, तो वो आप इनकम है रेवेन्यू इनकम। हाँ तो अभी लाइब्रेरी में एनुअल सब्सक्रिप्शन होता है मैं मानता हूँ, लेकिन वो कैलकुलेट मंथली होता है, क्लियर। आप ऐसे जिम में भी होता है, फिर जिम में भी आपको साल का एक एनुअल सब्सक्रिप्शन मिलता है, लेकिन मंथली वो कैलकुलेट करते हैं उसका हिसाब किताब मंथली वाइज होता है, क्लियर पिक्चर। और जो महीने वारी से खर्चे होते हैं इनकम होती है उसको रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंस कहा जाता है। सब बैठो नीचे। नेक्स्ट है एग्जाम फीस। अब आप देखो स्कूल में आपको तरह तरह के फीसें ली जाती थी, ट्यूशन फीस, फर्स्ट एग्जाम टर्म फीस, यूनिट फीस, था ना, है ना, ऐसे बड़ा चार्ट बन के आपसे फीस ली जाती थी, और किसकी फीस अगर आउटस्टैंडिंग होती थी तो उसको टीचर बोलती तुमको एग्जाम दिया नहीं जाएगा, देने दिया जाएगा, है ना। तो इसका फिर हम मम्मी को पापा को फोन करते थे, पापा फीस भरो पेपर है अभी दो तीन दिन के अंदर हमारे, क्लियर। तो आपसे एग्जाम फीस भी ली जाती है स्कूल कॉलेज में। ये इनकम कहाँ की है? ये इनकम स्कूल कॉलेजेस ट्यूशन क्लास ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में पाई जाएगी। नेक्स्ट इनकम, अच्छा लैब फीस। अब लैब साइंस लैब होती है आपको देखा है आपने, तो लेबोरेटरी फीस जो होती है वो भी आपसे ली जाती है लैब फीस। आपके स्कूल में जब हम स्कूलिंग पढ़ते थे तो स्कूल के अंदर लग खे रहे कुछ खे रहे, हाँ क्लास के पास जाओ। अब आप लेबोरेटरी फीस और साइंस लैब फीस और ये कौन सी फीस थी, टर्म फीस, लाइब्रेरी फीस, कंप्यूटर फीस, ऐसे तरह तरह के चार्ट बनते थे आपके फीस चार्ट, उसमें तरह तरह के हर महीने की फीस आपसे ली जाती थी और फिर मिला के आपकी टोटल फीस कंप्यूट की जाती थी, तो वो फीस से भी ऑर्गेनाइजेशन के पास इनकम आती है और वो इनकम बार बार आती है, इसलिए उसका नेचर क्या है? रेवेन्यू इनकम। क्लियर पिक्चर? आपको समझा नहीं लगता मैं बराबर नहीं बोलूंगा। ओके अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इनकम फ्रॉम विजिट। अच्छा लैब फीस समझा आपको, साइंस की लैब फीस होती है ना वो भी आपसे पैसे लिए जाते हैं उसके नाम पे भी।
अब इनकम फ्रॉम विजिट डॉक्टर लोग यूज करते हैं, डॉक्टर आपके घर पे आते हैं तो आपसे विजिट फीस लेते हैं, तो उससे भी डॉक्टरों के पास यानी हॉस्पिटल के पास इनकम आती है, और वो इनकम भी बार बार आती है, इसलिए रेवेन्यू नेचर की है, इसलिए वो रेवेन्यू इनकम मानी जाएगी। फिर नेक्स्ट है गवर्नमेंट ग्रांट, ये ऊपर हो चुका है हमारा। जनरल ग्रांट, जनरल ग्रांट भी गवर्नमेंट ग्रांट ही होती है। जनरल ग्रांट और गवर्नमेंट ग्रांट में कोई अंतर नहीं है, सब नाम अलग अलग है और कुछ नहीं है। फिर नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम डिस्पेंसरी। डिस्पेंसरी का मतलब होता है आपका मेडिकल। अब हॉस्पिटल में आप देखो, हर एक हॉस्पिटल का अपना अपना ही एक मेडिकल होता है, मेडिकल स्टोर, तो उससे भी उस हॉस्पिटल को इनकम आती है, तो उसको नाम दिया है इनकम फ्रॉम डिस्पेंसरी। ये नाम सुन के भी मैं चौकन्ना हो गया था, क्योंकि 2012 का पेपर आप खोलोगे तो उसमें हॉस्पिटल का एनपीओ आया था, और ये डिस्पेंसरी क्या होता है मुझे पता नहीं था। मुझे लगता था डिस्पेंसरी मींस वो लेटाना नहीं होता, लेटाना किसी को, वो स्ट्रेचर, तो दिमाग में ऐसा घूम रहा था, तो मैं उसको तो ऐसे दिमाग में ही नहीं आता था क्या है। तो कहने का मतलब क्या है, कहीं कहीं बातें मतलब ऐसी होती है जो हमको नहीं पता होती है, जिसकी वजह से हम लोग उसको मिसगाइड करके हम कहीं का कहीं हेड लिख जाते हैं, फिर मार्क्स पूरे कट जाते हैं। ये तो भला वो बेचारी एक लड़की का सामने वाली का, उसने लिखा था रेवेन्यू इनकम में देख लिया। समझा आपको क्लियर? पता नहीं कौन थी लेकिन बहुत देखो, एक एक आपको एक तुमने अगर जिंदगी के अंदर अथॉरिटी मिलने के बाद सबको एक दृष्टि से देखा तो आपकी इमेज भी एक अच्छी बढ़ती है। और दूसरी बात पता है आपको क्या होता है, आप अपने आप से लाइफ में एक मुकाम आने के बाद आप अपने आप पे प्राउड करते हो कि मैंने अपने पावर का कभी मिसयूज नहीं किया। क्लियर? तो इसलिए अब उसके लिए तुमको कितना भी भले कठोर बनना पड़े तुम बनो। बेटा मैं आपका ही काम कर रहा हूं, एक मैं शांत बैठा। कृष्णा अपना जोन संभालो। मोस्टली इंडिया के अंदर एनपीओ जो है ना ऐसे चलते हैं, व्यायामशाला, फिर अखाड़ा, फिर उसमें वो होता है एक योगा संस्था है, योगा का जो होता है संस्था, योग संस्था, तो ऐसे नाम भी आपको आ सकते हैं। अब एक लिखिए इसमें इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट। रेवेन्यू में टूर्नामेंट क्या होता है, सुनो, अब जैसे ये क्लब लोग यूज करते, क्लब वाले, जैसे अकोला क्रिकेट क्लब है, अब अकोला क्रिकेट क्लब आप देखो अपने स्टूडेंट्स के साथ टूर्नामेंट करवाता है, एक एक सिटी से दूसरी सिटी वाले टूर्नामेंट करते, तो उसके लिए क्लब आपसे कुछ चार्जेस लेता है, वो आपके लिए चार्जेस है लेकिन वो क्लब के लिए क्या है, इनकम हुई, और वो इनकम हर बार मिलेगी, इसलिए वो इनकम को हम रेवेन्यू इनकम बोलेंगे। अब इसके अलावा मुझे और रेवेन्यू इनकम तो दिख नहीं रही कुछ भी, बट स्टिल अगर मुझे कुछ दिखता है तो मैं आपको उसको आगे जब एग्जाम्पल्स कराऊंगा तब आपको मैं लिखा दूंगा, चलेगा? इसके अलावा अब बताइए, हमने कैपिटल इनकम चार पढ़ी, कौन कौन सी? देखो पहला पढ़ा हमने लाइफ मेंबरशिप फी, दूसरा पढ़ा हमने एंट्रेंस फी, तीसरा पढ़ा डोनेशन फॉर स्पेसिफिक फंड, और चौथा जो हैगा वो लिखो लेगेसी कैपिटल इनकम में। हाँ, इसका ये अलग हेड है, ये अलग ही हेड है, इसको किसके साथ कंपेयर नहीं करते। अब लेगेसीज का मतलब क्या होता है, सुन लीजिए, लेगेसीज का मतलब होता है जो आपको पूर्व पुरखों से ली गई जमीनें जो आपको दी जाती है। जैसे आप देखो एलआरटी कॉलेज के अंदर जो एलआरटी की जो प्रिमाइसेस है पूरी, वो एलआरटी की प्रिमाइसेस आप देखो एलआरटी को तोशनीवाल जी ने दी हुई है, उनके पुरखों की जमीन थी, पहले ये राजघराने से आते थे तोशनीवाल जी अकोला के अंदर, तो राजघराने के वाले लोग क्या होते थे, उनके पास जमीनें भंडार होती थी बहुत बड़ी, तो वो लोग क्या करते थे, कुछ समाज के लिए, कुछ शिक्षा के विभाग के लिए, कुछ संस्थाओं के लिए, अब भाई दे दो समाज को जमीनें, तो तब ये जमीनों की कोई वैल्यू नहीं होती थी। आज देखो एलआरटी के अंदर करोड़ों रुपए की जमीनें उनके पास है, वो
लेकिन पहले ये इनकी कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि पहले वो कोई डेवलप एरिया थी नहीं ना, वो आउटर एरिया थी, तो उनका भाव कौड़ी का था। तो उनको उनके वो टाइम पे पैसे वाले बहुत होंगे ये लोग, तो उन्होंने क्या दोस्ती वाली जी ने उनको पहले दिया, भाई ये जमीन ले लो, इससे बच्चों को शिक्षा दो, चलो संस्था खोलो। तो फिर एलआरएसडी कॉलेज बीजीए सोसाइटी ने खोला, हाँ, बैरर एजुकेशन जनरल सोसाइटी, जिसमें आप आज पढ़ते हो, जो ग्रेड ए ग्रेड का कॉलेज आता है। आपका कॉलेज जो है उसकी टीसी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, पूछो क्यों? क्योंकि आपका कॉलेज ग्रेड ए में आता है, और ग्रेड ए के कॉलेज बहुत कम है महाराष्ट्र के अंदर। आपको समझा कि क्लियर? तो इसलिए कहने का मतलब क्या है, अब उसको लीगेसीज बोलेंगे। तो एलआरटी कॉलेज की जमीन जो है वो क्या है, लीगेसीज में आएंगी। अब वो एक ही बार आएंगी, एक पर्सन से एक ही बार आएंगी, तो इसलिए वो भी मेरी कैपिटल इनकम हुई। क्लियर पिक्चर? ओके, इसके अलावा मुझे और कुछ नाम नहीं दिखता है। हाँ, एक्सपेंसेस जब लिस्ट जाऊंगा तो आपको लिखाऊंगा, बाकी रेवेन्यू इनकम्स मेरे ख्याल से इतना ही है। हाँ, एक तो क्रिकेट फीस, वो अब नॉमिनल में जो फीस होगी ना, वो दिखने से आपको फोकस में देंगी। भाई एक आधा नया नाम मैंने बताया भी नहीं होगा, लेकिन आप जब करोगे ना, करते 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 आपको आ जाएगा पहचानने की रेवेन्यू ही है। कैपिटल इनकम जो है वो दूर से फोकस होती है। क्लियर? अब मेरे ख्याल से और कुछ है नहीं, मेरे ख्याल से सिर्फ मेन इनकम्स पे फोकस करना है। कौन कौन सी वो है? ये मेन इनकम्स जो मैंने आपको बताया, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग टाइटल वाली इनकम्स। अब ये थी हमारी लिस्ट सारे एनपीओ की, इसमें हॉस्पिटल, स्कूल्स, क्लब्स, जिम सब आ गए, ट्यूशन क्लासेस सब आ गए। क्लियर पिक्चर? अब नेक्स्ट सेशन में मैं लूंगा लिस्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंस एंड कैपिटल एक्सपेंस, ये रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम की लिस्ट थी। ठीक है, आज इसी के साथ अपना सेशन समाप्त करता हूँ। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।